तो चलिए दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज की जो वीडियो की टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गाइज जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जो मोबाइल फ़ोन के जो हार्ट होती है यानी प्रोसेसर होती है, तो गाइज प्रोसेसर के बारे में कुछ आपको डिटेल्स में आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक न्यू फ़ोन वायर के लिए। यानी अगर आप नया फ़ोन अगर बाई करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है ये वीडियो। और इस वीडियो में दो प्रोसेसर के बारे में बताऊँगा जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, एक है क्वालकॉम की तरफ से, दूसरा है मीडियाटेक की तरफ से। लेकिन गाइज सब कुछ बताने से पहले और एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, मोबाइल फोन में जो आपका जो डिस्प्ले होती है एंड आपका जो कैमरा होती है एंड जो आपका टाइप ऑफ रैम होती है, जैसे कि LPDDR5 टाइप्स रैम, तो ये जो सब कुछ होती है फोन में, कितना मेगापिक्सल का कैमरा होगा, यानी प्रोसेसर आपका जितना पावरफुल होगा उतनी पावरफुल आपका कैमरा होगा एंड रैम होगा, सब कुछ प्रोसेसर के ऊपर डिपेंडेड है। तो गाइज यहाँ पर बात करते हैं जो क्वालकॉम का जो लेटेस्ट जो प्रोसेसर है यानी पावरफुल प्रोसेसर, जो आपका स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की बारे में बात करूँगा और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस के बारे में बात करूँगा। तो इस दोनों प्रोसेसर में क्या आपको अपग्रेडेड आपको चीज़ देखने को मिल जाएंगे और इस प्रोसेसर के बेसिस पर आपको हाइस्ट आपको कितना मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में आप आज की इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए, और पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अभी वक्त आती है उस बारे में जानने के लिए। चलिए गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेंगे जो क्वालकॉम की तरफ से आती है, यानी क्वालकॉम का जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है वो गाइज है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, यानी 8 जेन 1 का अपग्रेडेड वर्जन है। तो यहाँ पर जो आपका प्रोसेसर है वो आपका ऑक्टा कोर में बेस है एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी जो 9000 प्लस है वो भी ऑक्टा कोर में बेस है। बस इसमें जो ऑक्टा कोर यानी 8 कोर रहती है, एक प्रोसेसर के अंदर आपको जितना ऑक्टा कोर होती है, क्वाड कोर होती है, तो क्वाड कोर के हिसाब से आपको 4 कोर होती है एंड हेक्सा कोर में आपका 6 कोर होती है। तो यहाँ पर आपको ऑक्टा कोर देखने को मिलेगा यानी 8 कोर देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज 8 कोर का अलग अलग आपको स्पीड देखने को मिलेगा, वो आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जो 1 कोर होती है, 1 कोर है, जिसमें आपको 3.2 GHz में आपको स्पीड देखने को मिलेगा, जो उसका जो कॉर्टेक्स है वो आपका X2 कॉर्टेक्स आपको देखने को मिलेगा। 3 कोर में आपको 2.7 GHz का स्पीड देखने को मिलेगा और जिसका कॉर्टेक्स है आपका A710 में आपको देखने को मिलेगा। एंड जो बाकी 4 कोर है यानी जो बाकी 4 कोर है उसमें आपको 2.0 GHz का स्पीड देखने को मिलेगा एंड उसका जो कॉर्टेक्स है वो आपका A510 में आपको देखने को मिलेगा। पर जो आपको कोर के बारे में बताया, तो दोनों प्रोसेसर का जो कोर है वो गाइज सेम है। तो अब वक्त आती है उसका ग्राफिक्स के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का जो प्रोसेसर है इसमें आपको एड्रेनो 730 ग्राफिक देखने को मिलेगा एंड जो मीडियाटेक का जो प्रोसेसर है उसमें आपको आर्म माली G710 में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है गाइस ये टाइप ऑफ रैम, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर के हिसाब से जो रैम होती है, टाइप ऑफ रैम होती है, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का जो होती है उसमें आपको LPDDR5 टाइप आपको रैम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है इसमें आपको LPDDR5X टाइप आपको रैम देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जो प्रोसेसर है, दोनों प्रोसेसर जो है उसका जो फैब्रिकेशन है वो आपका 4 नैनोमीटर यानी 4 nm पर बेस पर बना हुआ है। और इस प्रोसेसर के हिसाब से जो आपका एडवांस लेवल का वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह देखने को मिल जाएंगे वो अभी जानेंगे। तो गाइज यहाँ पर जो आपको क्वालकॉम का जो आपका प्रोसेसर है उसके हिसाब से वाईफाई 6 आपको देखने को मिलेगा एंड ब्लूटूथ आपको 5.3 आपको देखने को मिल जाएंगे एंड दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात आती है कैमरा के लिए। तो गाइज कैमरा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्वालकॉम की और मीडियाटेक के हिसाब से। गाइज यहाँ पर जो आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 जो प्रोसेसर देखने को मिलती है, इस प्रोसेसर के बेसिस पर एक स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा हाइस्ट मॉडल में हाइस्टली अप टू
200 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है, यानी इस प्रोसेसर के बेसिस पर 200 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल सकती है। और अगर बताया जाए वहीं पे अगर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 फ्लैश के बारे में बताया जाए तो उस प्रोसेसर के बेसिस पर आपको अप टू 320 मेगापिक्सल यानी 320 मेगापिक्सल तक आपको कैमरा देखने को मिल जाएंगे। अगर डिस्प्ले के बारे में बताया जाए तो डिस्प्ले में आपको क्वालकॉम के हिसाब से आपको 4K डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो 60fps में होगी, और जिसका रिफ्रेश रेट होगा वो आपका 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर मीडियाटेक के बारे में बात किया जाए 4K डिस्प्ले देखने को मिलेगा और यहां पर आपको 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एंड अप टू 180 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट तक देखने को मिल सकता है, और दोनों में आपको FHD प्लस में डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज फाइनली आई होप कि आप लोग इस दोनों प्रोसेसर के बारे में सुन के आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कौन सा प्रोसेसर अच्छी है। आई होप कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा। तो गाइज इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करके जरूर आप मेरे को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए।